अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आशी विद ऑल रेसिपी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बनाएंगे एक न्यू तरीके से लच्छेदार चिप्स। आप ट्राई करना, आपको बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीका लगेगा और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी चिप्स है। चले हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए एक कद्दूकस और 5 से 6 अदद आलू चाहिए और घी चाहिए। हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस यही चीज़ें चाहिए। यकीन करें बहुत टेस्टी और क्रिस्पी चिप्स बनेगी। चलिए हम इसको कद्दूकश कर लेते हैं। ये हम कद्दूकश कर रहे हैं, कोई मुश्किल तरीका नहीं है कद्दूकश का। हर घर में आपको कद्दूकश मिल जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी चिप्स बनेगी। यह हमने कद्दूकश कर लिया, अब हम इसे धो लेते हैं। यह हमने इसको धो लिया है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपने चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हमें घी को अच्छे तरीके से गर्म करना है। चलें ये देखें जी, हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी चिप्स ऐड करेंगे ताकि पता चल जाए गरम हुआ है ये घी या नहीं। ये देखें जी, हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें आलू की चिप्स डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गरम हुआ है, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर घर पे ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी है। पकौड़ों की शक्ल में ये बनती है चिप्स, बहुत ज़बरदस्त चिप्स है। चले अब हम इसे अच्छे तरीके से घी में मिला लेते हैं ताकि ये ज़बरदस्त तरीके से क्रिस्पी और अच्छी बने। चले अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छे से नरम हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं जी। चले अब हम इसे देखते हैं कि ये देखें माशाल्लाह हल्की सी लाइट लाइट ब्राउन हो गई है। अगर आप लोग निम्को खाने के शौकीन हैं तो आप इस चिप्स को निम्को में भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए। ये लें जी, हमारी चिप्स ब्राउन हो गई है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत मज़े की है, क्रिस्पी है। आप ज़रूर ट्राई करना, चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, नीमकों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, नीमकों में ऐड करके भी खा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, रमज़ान में भी आप ट्राई कर सकते हैं इफ्तारी के टाइम। हमारे घर में रोज़ बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि ये चिप्स आपको कैसी लगी। चलें हम इसे सर्व करते हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनी है। अगर आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक करना चाहते हैं तो ठंडे होने के बाद आप इसे तोड़ के और भी बारीक कर सकते हैं। माशाल्लाह ये इसे कहते हैं लच्छेदार चिप्स। माशाल्लाह हमें बहुत पसंद है, हमारे पूरे घर वालों को पसंद है। अगर हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम यही सर्व करते हैं। शुक्रिया व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।